बिल काबा, तुम्हें खौफ खुदा की वसीयत करता हूं, बल्कि दुनिया तलबी से बचो, अगरचे दुनिया तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाए, उस चीज पर अफसोस न करना जो तुम्हारे हाथ ना आ सकी। हमेशा हक बात कहो और उस जहां की जजा के खातिर काम करो। सितमगरों से हमेशा लड़ते रहो और मजलूमों के मददगार। तुम्हें और अपने तमाम फर्जंदों और अजीजों और हर उस शख्स को वसीयत करता हूं जिस तक ये मेरी वसीयत पहुंचे, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अपने कामों को मुनज्जम रखो और एक दूसरे के दरमियान सुलह और आश्ती से काम लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि फरमाया, लोगों के दरमियान सुलह करवाना सालों की नमाज और रोजे से बेहतर, खुदा के लिए यतीमों का ख्याल रखना, उन्हें कभी भूखा और कभी शेर न छूना, उन्हें यूं ही न समझना, खुदा के लिए पड़ोसियों का ख्याल रखना। उनकी सिफारिश पैगंबर ने की और बारहा उनके बारे में फरमाते रहे, यहां तक कि हम गुमान करने लगे कि शायद इर्स में भी उनका हिस्सा करार देंगे। खुदा के लिए कुरान का ख्याल रखना, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे लोग कुरान पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाए। खुदा के लिए नमाज का ख्याल रखना जो तुम्हारे दीन का सुतून है। खुदा के लिए हज के मौके पर कहीं ऐसा ना हो कि खाने खुदा को खाली छोड़। जितने दिन भी इस दुनिया में हो, अगर बैतुल्लाह की हुर्मत का ख्याल न रखा तो सख्त अजाब में मुब्तला हो जाओगे। खुदा के लिए राह खुदा में अपने नाम और जान जबान के जरिए जहाद करते रहना और तुम पर आपस में मिलकर रहना
और एक दूसरे को माफ करना जरूरी करार देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे से मुंह मोड़कर ताल्लुकात खत्म कर लो। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर को तर्क मत कर देना, वरना बदतरीन लोग तुम पर हुक्मरान हो जाएंगे। उस वक्त दुआ करोगे मगर दुआ कबूल नहीं की जाएगी। ऐ औलाद अब्दुल मुत्तलिब, मैं मुसलमानों के खून में तुम्हारे हाथों को आलूदा न देखूं। ये कहते हुए दिखाई न देना कि अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया था। जान लो कि मेरे कातिल के अलावा किसी को मेरे बदले न मारना। और देखो अगर मैं इसी एक शरबत में मर गया तो उसे भी एक ही शरबत लगाना और उसके हाथ पैर और दीगर आजा को न काटना, क्योंकि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुर्दा के आजा और जवारे को मत काटो, अगरचे वो मुर्दा किसी पागल कुत्ते का ही क्यों न हो।